अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने के फैसले पर कनाडा में हंगामा शुरू हो गया। वहां प्रदर्शनकारियों का कहना है कि F-35 लड़ाकू विमान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ऊपर से वो महंगा भी है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन कनाडा अपनी वायुसेना के CF-18 जेट के पुराने होते बेड़े को F-35 जेट से बदलना चाहता है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से कनाडा को इसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन कनाडा में ही लोगों का एक धड़ा सरकार के आगे खड़ा हो गया। उसका दावा है कि F-35 पर्यावरण के लिए ठीक नहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। फिर प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने F-35 के लिए कम पैसों में डील की, लेकिन कनाडा ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। इधर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने 4200 करोड़ से ज्यादा के हथियार और उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके तहत सेना के लिए 4276 करोड़ रुपए के हथियार खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और उससे जुड़े उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा नेवी के लिए मिसाइल लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की भी खरीद की जाएगी। उधर ईरान के जो आत्मघाती शाहिद ड्रोन रूस की ताकत बने हुए हैं, ब्रिटेन ने उसे ईरान की आत्मघाती गलती बता दिया। ब्रिटेन ने कहा कि ईरान ने रूस को अपने ड्रोन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जबकि शाहिद ड्रोन वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन को परेशान किया हुआ है। ईरान के शाहिद ड्रोन ने जंग में उस वक्त एंट्री मारी थी जब रूस कमजोर पड़ता दिख रहा था, लेकिन शाहिद ड्रोन का साथ मिलते ही रूस के एक्शन में जैसे बिजली दौड़ गई। मगर ब्रिटेन का कहना है कि भले ही शाहिद ड्रोन रूस की ताकत बनकर उभरे हों, उन्होंने ईरान की कमजोरी की पोल खोलकर रख दी है। कहा गया कि रूस ने इतने धड़ल्ले से यूक्रेन पर शाहिद ड्रोन गिराए कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ईरान की तकनीक की कमियों को जानने और उससे निपटने के तरीके निकालने का मौका मिल गया। इससे ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। इधर बिहार के छपरा में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां एक आदमी ने उन्हें काला झंडा दिखाया और उनकी गाड़ी के सामने आकर जमकर नारेबाजी की। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला उस आदमी के पास से गुजरा, वो उसके पीछे दौड़ने लगा। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उस तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तब तक वो उनकी गाड़ी के सामने पहुंच गया, जिसके बाद उसने नारेबाजी करते हुए उन्हें काला झंडा दिखाया। हालांकि तुरंत पुलिस के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। नीतीश को काला झंडा दिखाने वाले आदमी ने आरोप लगाया कि जहां शराब पीने से लोगों की मौत हुई, मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। नीतीश कुमार छपरा में समाधान यात्रा में गए हुए थे, जहां से वो पटना लौट रहे थे, लेकिन तभी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि दक्षिण कोरिया अब अपने देश में ड्रोन घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल की मदद लेने वाला है। कुछ दिन पहले उसके इलाके में उत्तर कोरिया के ड्रोन देखे गए थे, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया इजराइल से स्काई स्पॉटर अर्ली वार्निंग सिस्टम खरीदेगा। इसराइल का यह सिस्टम किसी भी तरह की हवाई घुसपैठ से पहले ही खतरे का इशारा कर देता है। यानी अगली बार उत्तर कोरिया की तरफ से कोई ड्रोन या फिर छोटा विमान दक्षिण कोरिया की तरफ आता है तो पहले से ही पता चल जाएगा। दावा तो ये भी है कि दक्षिण कोरिया एक ड्रोन कमांड बनाने की तैयारी में भी है, ताकि दुश्मन के ड्रोन को अपनी सीमा में घुसते ही ढेर किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि उत्तर कोरिया ने कुछ दिन पहले 5 ड्रोन भेजकर दक्षिण कोरिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें एक ड्रोन तो राजधानी सोल तक पहुंच गया था। इसी के बाद दक्षिण कोरिया ड्रोन हमलों को लेकर ज्यादा सतर्क हो गया।